बांदा ए रिक्शा और उसकी बैटरी की लूटपाट करने वाले गैंग का किया खुलासा। चार आरोपियों को पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। गैंग में दो नाबालिग और दो बालिक आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से चार ए रिक्शा और चार बैटरी और एक बाइक सहित मोबाइल फोन भी पुलिस ने किया बरामद। रात में सवारी बनकर रिक्शा चालकों को ले जाते थे। सुनसान जगह पर रिक्शा चालकों के साथ मारपीट कर लूटपाट करते थे। आरोपी कोतवाली और मट्टौंध थाना क्षेत्र में लूटपाट की घटना को देते थे अंजाम। देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे यहाँ पे लगातार ई रिक्शा की चोरी, बैटरी चोरी, उसमें से जो व्यक्ति जा रहे हैं उनसे मोबाइल की चोरी एवं लूट की घटनाएं हो रही थी। इसमें गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें चार अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। दो इसमें बाल हमारे जो हैं चाइल्ड जुवेनाइल अभियुक्त हैं और दो जो हैं जिनका नाम हर्ष प्रजापति और विष्णु है, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से चार ई रिक्शा, बैटरियाँ, मोबाइल फ़ोन एवं जो घटना करने के लिए ई रिक्शा ये इस्तेमाल करते थे और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और लगातार ये घटनाएं हमारे तीन थानों में मटौन, कोतवाली नगर एवं कोतवाली देहात में ही घटनाएं प्रकाश में आई थी। इसमें एक स्पेशल टीम को लगाया गया था। आज थाना मटौन द्वारा इसका पर्दाफाश करते हुए सभी को बरामद किया गया है। आज इनको सुपुर्द भी किया जा रहा है। जो ई रिक्शा चालक हैं उनको आज बुलाया गया है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको आज सुपुर्द कर दिया जाएगा। एवं इसमें जितने भी गैंग के द्वारा और भी घटनाएं की गई हैं आसपास के जनपद में, उसकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। इसमें लगातार ई रिक्शा वेरिफिकेशन के संबंध में हमारे जनपद में एक अभियान भी जल्दी चालू किया जा रहा है, जिसमें हर एक ई रिक्शा को वेरीफाई किया जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके ड्राइवर की डिटेल्स, उसका क्रिमिनल इतिहास, इसकी जानकारी की जा रही है। सभी को चेक करके ऑनलाइन एक डेटाबेस में आके पब्लिक को दिया जाएगा, ताकि पब्लिक उसके ऊपर एक बारकोड लगाओ ई रिक्शा के ऊपर या होलोग्राम लगाओ, जिससे जब उसमें बैठे तो सफ़र करते हुए सेफ्टी रहे, वो चेक कर सकते हैं ड्राइवर की डिटेल, क्या ड्राइवर कोई उस पर आपराधिक इतिहास है या नहीं है। तो इसका भी जल्द उद्घाटन जनपद में किया जाएगा, ताकि सेफ्टी जो स्पेशली महिलाओं की और बच्चों की जो ई रिक्शा में ट्रैवल करती हैं उसको प्रायोरिटी रखते हुए इसको लॉन्च जल्दी किया जाएगा। क्या सवारी बनकर रिक्शे में, रात को सवारी बनकर रात के 11 या 12 बजे सवारी बनकर इमरजेंसी में उससे बात करते हुए उसको ले जाते थे ऐसी जगहों पर, सुनसान जगहों पर, और उससे फिर कई बार मारपीट कर लेते थे या उसको कुछ बैठा के ढाबे वगैरह पे चाय पिला के उससे कोई मोबाइल वगैरह चोरी कर लेते थे या उसकी ई रिक्शा की बैटरी निकाल लेते रात में। तो सभी चीज़ों पे लगातार इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, अभियोग पंजीकृत हैं सभी थानों के ऊपर और उसका पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है।